बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सरदार उस्मान को पंजाब का वज़ीर आला नॉमिनेट किया और मैं आप सबको आज उसकी वजह बताना चाहता हूँ। सरदार उस्मान पंजाब के उस इलाके से हैं जो सबसे पसमानदा है। वहाँ ना लोगों के पास पानी है, ना बिजली है, ना अस्पताल है। वो लोग उस इलाके में ऐसे रह रहे हैं जैसे कि वो एक पुराने ज़माने में रह रहे हैं। सरदार उस्मान की खूबी ये है कि ये एक तो जानता है कि पसमानदा इलाके में लोग किस तरह रहते हैं, दूसरा सरदार उस्मान जानता है कि इस मुल्क का गरीब आदमी कैसे रहता है। लिहाजा मैंने इसका इसलिए इसको नॉमिनेट किया है क्योंकि सरदार उस्मान इंशाल्लाह जब सीएम बनेंगे तो ये इनको पता होगा कि इस मुल्क के पसमानदा इलाकों में लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। सरदार उस्मान वो वाहिद एमपी है जिसके घर में बिजली नहीं है और इंशाल्लाह ये जो हमारी विजन है कि हमने निचला तबका भी उठाना है, हमने पसमानदा इलाकों को भी ऊपर लेके आना है, ये इंशाल्लाह जो हमारी विजन है तहरीक इंसाफ की उसके ऊपर मुझे यकीन है कि ईमानदार सूबे का चीफ मिनिस्टर ज़बरदस्त काम करेगा और हमारी विजन पे पूरा उतरेगा। मैं फिर से रिपीट करूँ।